आज सुबह सुबह उठते ही टीवी ऑन हो गई थी और सब जो है ना एक लाइन से बैठ गए थे, क्योंकि आज आने वाला था इलेक्शन का रिजल्ट। सबको जो है ना बेसब्री से इंतजार था कि कौन जीतने वाला है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 4 जून और सुबह सुबह जो है ना नाश्ता हमने बना कर दे दिया, सबने कर लिया। तो लंच के लिए ना ज़्यादा जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से हम बनाएंगे। और अभी तो सब सुबह से जो है ना लगे हुए हैं, आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है तो पूरा घर जो है ना वही लगा हुआ है, बैठकर वो देख रहे हैं। और सुबह सुबह जो है ना उमेरा ने मैसेज किया कि घर पे जो है ना खाला की बेटी आई हुई है अरीबा। तो लास्ट टाइम हम गए थे तो तब भी वो थी, लेकिन हमने शूट नहीं किया था। तो अभी वो उमेरा ने मैसेज किया कि वो आ रही है, आज वो स्टे करेगी, कल जाएगी। तो बस अभी हम जो है ना सफाई में लगे थे, अभी हम ये कपड़ा जो है जो कल हमने वॉश किया था वो जो है अभी इसको फोल्ड करके रखना है। और बस सोच रहे थे कि वो आएगी तो उसे क्या बनाकर खिलाएं। तो अभी जो है ना फिलहाल हमने ज़ैप से चाउमीन मंगा ली है, तो सोच रहे, वैसे भी हम लोगों ने कल ज़ैप प्लान किया था ना कि हम लोग चाउमीन बनाएंगे। हाँ। हम लोगों ने कल प्लान किया था कि आज जो है हम लोग चाउमीन बनाएंगे, तो अब वो लोग आ रही हैं तो लगे हाथ उन लोगों को भी खिला देंगे। बस अभी के लिए अपडेट ये थी और अभी फटाफट से जो है ना ये गाइस मेरा तो क्या चला गया था, फिर आ गए। जो मेरा जो गंदा कपड़ा था ना उसको हमने इसमें बांध कर रखा था, तो ज़ुहैब आपने देखा होगा व्लॉग में कि ज़ुहैब ये सर के नीचे लगा कर सो रहा था, है ना। तो वो अब इसको अपना पिलो बनाया, तो वही बोल रहा है कि गाइस मेरा तकिया जो है चला गया था, अभी ये फिर से आ गया, लेकिन ये जो है ना जाएगा कबर्ड में। तो चलिए फटाफट से इसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। हम यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रहे थे तो ज़ुहैब भी जो है ना स्टार्ट हो गया था साथ में कपड़ा फोल्ड करना। एक्चुअली उसे अच्छा लगता है कि वो कुछ करता हुआ जो है ना व्लॉग में दिखे। अभी तक तो हमें लग रहा था कि उसे काम करना पसंद है हम लोगों के साथ, बट ये धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि वो व्लॉग में दिखे इसलिए वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है साथ में। तो अभी वो साथ में मेरे फोल्ड करा रहा था और हमें भी अच्छा लगता है कंपनी के लिए कोई साथ में होता है, तो इसलिए जो भी छोटे छोटे कपड़े थे ना वो हमने उसे दे दिया ताकि वो इजीली फोल्ड कर ले। अब जाहिर है बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की आदत तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे, तो बस अभी वो फोल्ड कर रहा है और हम यहाँ पे फटाफट ये करने में लगे हैं। वालेकुम अस्सलाम। गाइस हमारे मेहमान पधार चुके हैं। गाइस ये मेरी बहन है, छोटी थी लेकिन बड़ी हो गई, मेरी शादी में इतनी बड़ी थी। और ये ज़ुहैब की भी बहन है। ज़ुहैब बताओ ये तुम्हारी कैसे बहन है? बड़ी अम्मी की ज़ुहैब और वो क्या नाम भूल गए हम, अरीबा। इसको ज़ुहैब और अरीबा जो है ना कजिन्स है। तो हम आ गए थे किचन में और यहाँ पे हुमैरा और अरीबा आ गई थी नाना के पास उनकी हेल्थ अपडेट लेने के लिए। जल्दी डिक्लेयर करो ना, सुबह 9 बजे से चला दे, 1:30 बजने वाले 2 बजने वाले। हाय गाइस वेलकम टू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग के मौनी के ब्लॉग मैं बना रहा हूँ और क्या कहते हैं हम लोग की मौनी की बहन आई हैं और मैं भी सब पे भी आई हैं। तो अभी मौनी वहाँ हैं, क्या कहते हैं वहाँ हैं, वो किचन में हैं, देख सकते हैं आप लोग। और हम यहाँ हैं अभी
और राहत अप्पी ने हमको बोला कि अकेले ब्लॉग बनाओ, तो हम अकेले ब्लॉग बना रहे हैं और सही में कोई नहीं है, देख लीजिए कोई भी नहीं है। और क्या कहते हैं, अभी बस यहीं बना रहे हैं और अभी क्या कहते हैं, मैं भी सप्पी लूँगी, हाँ आएंगी तब आपको हम लोग दिखा देंगे। तो गाइस अभी मोनी के पास जा रहे हैं, आम जो है वो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, तो अभी जो है ना हम बस उन लोगों के लिए पना बना रहे हैं और घर वालों के लिए भी, तो अभी फटाफट से इसे बनाते हैं और सबको देते हैं। अभी वो पीछे है ग्लास, कैसे उतारूंगी ना, वही वाला इतना ऊंचा कुछ उतारूं, ये हम लोग का है, चलिए जाइए। पुदीना हम लोगों ने सुखाया है, एक्चुअली हम लोग ने बस ऐसे रखा था, पत्ती तोड़ के सूखी है पुदीना, अरे थोड़ी सी महक आएगी, डाल देंगे तो नहीं पियोगे, नहीं पीते पुदीना, पुदीना पीते लेकिन दादा दादा छोका नहीं पीते, ये सुखाया गया है स्पेशली इसके, सुखा कर जो है ना, देखो तुम हम लोगों के साथ किचन में रहते हो तो तुमको छोटी छोटी टिप्स देते जा रहे हैं हम लोग, सुखा कर जो है ना तुम लंबे समय तक रख सकते हो, फिर जब कभी भी यूज हो तो बस इसको निकालो और जिस चीज़ में डालना है डालो, तो ये सब चीज़ में सुखा के ही है, और बाकी अगर हरा वाले ऐसे रखो तो सड़ जाएगी, ऐसे वाले में खुशबू अच्छे से आती है। तो अभी आ गए थे हम लंच बनाने के लिए और हम सोच रहे थे कि ऐसा क्या बनाएं जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो, तो बहुत पहले हम लोग एक रेसिपी ट्राई करते थे चने की दाल की, वो पंजाबी तड़का दाल करके कुछ ऐसे था, तो सडनली हमें राहत ने याद दिलाया कि आप ऐसा कुछ बनाती थी, तो अभी जो है ना हम वही बनाने जा रहे हैं और सच में वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नॉर्मल जो चने की दाल हम लोग बनाते हैं ना उससे थोड़ा डिफरेंट होती है वो, तो यहाँ पे खाना हमारा बनकर रेडी हो गया है, बस अभी हम लोग बस खाने जा रहे हैं। दोनों भाई बहन ऐसा फोन में घुसे हुए हैं, किसी की खबर नहीं, दीन दुनिया की खबर नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं ना। गाइस खाना वगैरह खाकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम जो है ना अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं और ये सब के सब जो है ना फोन यूज कर रहे हैं, गोल्ड देख रहे हैं, अब सबकी शादी की उम्र हो गई है ना तो सब यही सब देखेंगी, गोल्ड देखेंगी ज्वेलरीज बनवाने के लिए, देख रहे हैं गाइस। और बाहर जो है सुहेल और नाना न्यूज देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं अभी तक, अब उन लोगों की भी इसमें क्या गलती, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कौन जीता कौन हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम चाहते हैं ना कि हमने जिसको वोट दिया है वो ही जीते। गाइस अभी सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं है ना, तो हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छी फनी जो है ना रील्स वगैरह बनाई जाए, तो हमारा बोल रही है ना कि सैया वाला चैलेंज किया जाए, और हम अभी गा कर देख रहे थे, रात ने भी देखा, वो मेरा की आवाज नहीं निकल रही थी, जिसने बताया उसी की आवाज नहीं निकल रही है, गाओ गाओ जो आप गा के दिखाओ सैया, अरे बतो गाओ, अरे तुम वायरल हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, तुम घर जाओगी ना तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाहर लोग खड़े होंगे लाइन लगा के, ऑटोग्राफ मैम ऑटोग्राफ, मेरे नाम खुद ही सब लोग आते हैं देने के लिए कि तुमसे लेने के लिए, पागल देखे गाइस ये लिपि लगा दी है, भूत जैसी शक्ल है, लाओ फिर हम भी लगा लें इसी बात, गाइस हमने जो है ना लिपि लगा ली है, राहत ने सबसे पहले राहत ने शुरू करी, अभी दिखाते हैं हम आपको, लिपस्टिक
और इन लोगों को भी जबरदस्ती बोल रहे कि अब हम लोग लगाए ना तो तुम लोग भी लगाओ। नहीं लगाना चाहिए सब, हराम। और जो कि खुद लगाई हुई है गाइस, अभी इसने ना थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगाया है लेकिन देख नहीं रहा है, लेकिन मेरा ज्यादा डार्क नहीं लगा ली और काले में इसलिए ज्यादा। हाँ अरे बाप रे, मॉरल ऑफ द ब्लॉग, किसी की बुराई नहीं करी जाती। गाइज अभी जो है ना हमें निकलना पड़ रहा है, जो हमने बाइक एक्सचेंज कराई थी ना तो उसकी एनओसी वगैरह का कुछ दिक्कत आ रही है, तो जिनसे हमने एक्सचेंज कराई है मतलब वहाँ से वो लोग बाइक को किसी को सेल करते हैं, तो उन्हें जो है ना बाइक की एनओसी देनी है, वो हम लोगों ने आज तक अभी ली ही नहीं थी, तो उन लोगों ने खुद निकलवाई है बट वहाँ पे ऑफिस में वो दे नहीं रहे, उन्होंने बोला कि जो ऑनर है उन्हें को मिलेगा, तो अभी जो है ना हमें जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, थोड़ा अर्जेंट है, तो अभी हम और सुहेल वहाँ के लिए निकल रहे हैं। टीवी का जुगाड़ देखिए। हाँ तो अभी पहुँच चुके हैं हम ऑफिस, यहाँ से अपनी एनएसयू रिसीव करते हैं और नाना का कपड़ा यहीं कहीं सिविल लाइन्स में रखा हुआ है वहाँ से वो भी रिसीव करते हैं और फिर चलते हैं घर। सुहेल चले गए थे कपड़ा लेने के लिए, वहीं पे बगल में वेस्ट साइड था तो हम यहाँ पे आ गए थोड़ा ठंडे में एसी वेसी का मजा लेने के लिए, बाहर वेट करने से बेहतर था कि हम अंदर आ जाएं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलेक्शंस पे नज़र मारी और फिर हम लोग आ गए घर। गाइस हम आ गए हैं घर और अब राहत जा रही है कहीं, तो रात तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? बाल सही, सब सही है, परफेक्ट। इतना अच्छे ससुर ना हर लड़की को नसीब हो गाइस, हर लड़की के लिए दुआ है। राहत के ससुर आ रहे हैं राहत को बाहर ऐसे कुछ खिलाने पिलाने ले जाने के लिए। तो गाइस अभी जो है ना 7 बज गए हैं और हम सोच रहे हैं ना कि डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं, और आज जो है ना डिनर में बन रहा है बिरयानी। बिरयानी ऐसे करिए। मैविश, अब मैविश द ग्रेट। किचन में आ गई थी छिपकली, तो हुमैरा जो है ना रेस्क्यू कर रही थी छिपकली पकड़ के, उसको फेंकने वाली थी। हमें तो बड़ा डर लग रहा था क्योंकि खाने का बर्तन और सब्जी वगैरह भी वहाँ पे कटी हुई रखी थी, तो हम दूर से ही आवाज़ देकर इन लोगों को बोल रहे थे कि वो सारी चीज़ें ढक दो और हटा दो, पता चला उसमें चली जाए तो फिर चीज़ें बेकार हो जाएंगी। कहाँ भागी? वो पन्नी नहीं है। अभी भागी नहीं, मर गई क्या? ज्यादा दबा दी क्या? अरे आखिरी सांसें गिन रही, देख क्या उसको। बाकी कितने सारे लोग बैठे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, तुम शिकली हो क्या? कचर ना दे। भाग गए, आ जाओ। पुरस्कार गाइस अवार्ड लो मेरा, ये
आपको सम्मानित किया जाता है ये फूल से, आपने बहुत बहादुरी का काम किया। बहुत आभारी हूँ आपकी, आपने मुझे पुरस्कार दिया, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको घरों में से छिपी कॉन्टेक्ट करें, मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, काम नहीं है, एक छिपकली पकड़ने का 50 रुपए, एक लाई छिपकली हमें वापस कर दीजिए, उठा के ले आइए वापस, वापस करिए 50,000 रुपए एक छिपकली पकड़ने का, वही हम बोले वापस लाई हमारी छिपकली पकड़ कर। ये कौन धोएगा गाइस, बोलिए गाइस, कब से मैं बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ लेकिन ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं हमें, एक ने परेशान किया हम लोगों को गाइस, सब परेशान तो कर रहे हैं लेकिन लेकिन ये औरत जो है उनसे कभी चिकन नहीं धोया जाता है, खा जरूर लेती है लेकिन धो नहीं पाती है, ये तो गलत बात है, खाने में भी करना चाहिए ना, खा लेती है लेकिन धो नहीं पाती। अभी जो है रात के ससुर जो है जा रहे हैं, काफ़ी देर तक वो बैठे इस लोग से बात कर रहे थे तो अभी वो निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो अभी जो है ना एक तरफ चिकन हमने बनने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ पानी रख दिया था कि ताकि वो बॉयल हो जाए, और चावल भी सोख करके रख दिया था। तो अभी जो है पानी थोड़ा गर्म हो गया था तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिया है, अभी इसे ढक देते हैं, थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं, और चिकन जो है ना हमारा ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया था। चिकन बनने में कितना टाइम ही लगता है, तो बस ये ऑलमोस्ट रेडी है और लेट हो गई थी, भूख लग रही थी सबको, तो बस फटाफट से ये प्रिपेयर करते हैं और फिर खाना खाते हैं। यहाँ पे बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी तो हमने सोचा कि डायरेक्ट पतीली रखने से बेटर है इसमें निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और सबको खाने में जो है ना आसानी होगी। इस बार जो है ना प्रॉपर प्रिपरेशन हमने की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी जो है ना अच्छी बनी थी। हमारे लिए पतला सा छोटा सा बचाए थे गाइस, अभी हम लोग खरबूजा खा रहे हैं जो कि रात के ससुर ले आए हैं, और बहुत मीठा है सच में, एकदम जैसे लगता है कि चीनी मिली हो उसमें। हाँ, ये वो वाला मीठा है। खाना वगैरह खा लिया है हम लोगों ने, अब बस ये लास्ट ये खा रहे हैं, इसके बाद जो है ना हम लोग सोएंगे। गाइस अभी जो है ना हम लोग सोने जा रहे हैं, सब ये ऊपर है इधर दिख रहे हैं, ये लोग ऊपर हैं, अभी दीपक गई है बेडशीट लेने के लिए, बहुत जगह है। तो अभी इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं, होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।